So hello to all my viewers, I am Akash Roy and welcoming once again you in Akash STEM Education. The students, जो लोग भी WHA के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ज्यादा टाइम आपके हाथ में बचा नहीं है. अगर दिसंबर महीने को हम लोग छोड़ भी दे तो आप बोल सकते हो कि 4 महीने के आसपास अपने हाथ में रह गए. अब इस लास्ट ऑलमोस्ट 100 दिन अगर हम लोग मान के चले, एग्जाम से पहले कुछ दिन आपका वेस्ट होगा, बीच में आपका बोर्ड्स का एग्जाम है वो भी वेस्ट जाएगा, तो प्रिपरेशन के हम लोग ऑलमोस्ट पकड़ के चल सकते हैं अभी लगभग 100 दिन आपके हाथ में प्रेजेंट है. तो इस 100 दिन पे 100 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, 100 दिन में कैसे आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो अपने WBJEE एग्जाम के लिए, मैं चलिए इस वीडियो में वही विषय के ऊपर डिस्कशन करते हैं. बट उससे पहले चैनल पे जो लोग पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रिक्वेस्ट बटन को मस्ट ऑन कर लो, बिकॉज आकाश स्टेम एजुकेशन पे आपको ऐसी WBJEE के हर एक अपडेट सब समय आपको मिलती रहेगी और मिल जाएगी. तो चलिए शुरू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो आपको प्रिपरेशन करने के लिए जो बोलूंगा कि जो लोग अभी तक सिलेबस खत्म नहीं किए हो, वो लोग मैं बोलूंगा कि ऑलमोस्ट आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को खत्म कर चुके हो. बिकॉज खत्म इन द सेंस लास्ट नहीं, खत्म इन द सेंस डेट कर चुके हो, ठीक है. बिकॉज अभी तक जो लोग सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हो वो लोग बहुत पीछे जा चुके हो. इस टाइम पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल प्रायोरिटी होना चाहिए कि जो लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे तैसे कहीं से भी हो, यूट्यूब से हो जाए, कहीं कोचिंग से हो जाए, जहीं से भी हो जाए, जहां से भी हो जाए, एटलीस्ट एक टाइम एक बार आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए. तो राइट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रायोरिटीफुल थिंग फॉर यू इज दैट टू कंप्लीट योर सिलेबस एटलीस्ट वंस. ओके, तो एक बार एटलीस्ट आपका सिलेबस आप लोग कंप्लीट कर लीजिए. दूसरा जो पॉइंट मैं आपके साथ बोलना चाहूंगा, डिस्कशन करना चाहूंगा, दैट इज कि आपको इस टाइम पे ऑब्वियसली प्रैक्टिस ज्यादा, मच मोर प्रैक्टिस, जितना जगह से हो सके, जहां से हो सके, जितना जगह से हो सके आप लोग प्लीज अपना प्रैक्टिस जो है करते रहिए, ठीक है. इसके लिए आर्यन का बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा. आर्यन का बुक प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत ही अच्छा जगह है. आर्यन का बुक आप लोग कर लीजिए और प्रैक्टिस करते करते मोस्टली आपको PYQs लास्ट 10 साल का PYQs खत्म कर लेनी है, ठीक है. जो लोग लास्ट 25 साल कर रहे हो मैं बोलूंगा इतना करने का जरूरत नहीं है, लास्ट 10 साल कीजिए, लास्ट 10 इयर्स कर लीजिए, काम हो जाएगा. ओके, दैट विल बी एनफ फॉर यू. लास्ट 10 साल PYQ WBJEE का कर लीजिए प्रैक्टिस. ओके, ये मेरा दूसरा पॉइंट था कि जितना दूर हो सके प्रैक्टिस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए. ये दूसरा हमारा पॉइंट था. आगे थर्ड पॉइंट पे, दैट इज अ शॉर्ट नोट. जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, कंप्लीट कर चुके हो, जो भी स्टेज पे हो आप लोग शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए. अच्छा, शॉर्ट नोट पे भैया क्या क्या रखते हैं? शॉर्ट नोट पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कोई एक चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पंच लाइन हम बोल सकते हैं कि इस पूरा पेज का एक पंच लाइन, एक हिट लाइन है कि यही मेन पॉइंट है, वो जो पंच लाइन को आपको लिख के रखना है आपका शॉर्ट नोट पे. जिसका शॉर्ट नोट जितना तगड़ा होगा, जिसका शॉर्ट नोट जितना ज्यादा रहेगा, जिसका शॉर्ट नोट प्रिपेयर रहेगा WBJEE एग्जाम के एक हफ्ता पहले, आप लोग इसका महत्व समझोगे, ठीक है. अभी से अगर शॉर्ट नोट प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो आप लोग फंसोगे. लिख लो, बिकॉज मैं हर साल बोलता हूं शॉर्ट नोट्स रहना 100% इंपॉर्टेंट है. जो लोग शॉर्ट नोट्स नहीं कर रहे हो एग्जाम आपका क्लियर नहीं होगा. तो प्लीज प्रिपेयर, प्लीज क्लियर, प्लीज डू योर, मेक योर शॉर्ट नोट्स. ओके, अपने हिसाब से लिखिए, कोई सजाने की जरूरत नहीं कि ऐसे अच्छे तीन चार टाइप के पेन से लिखे. नहीं, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ये सब काली से लिखे कोई जरूरत नहीं है. नॉर्मल आपका मन जो चाह रहा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहा है वही सब लिखते जाइए, डोंट वरी, यही आपका शॉर्ट नोट्स है. तो आपको लिए थर्ड पॉइंट यही था कि शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए इस टाइम पे. ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नेक्स्ट, बोर्ड्स का एग्जाम के साथ साथ भैया कैसे बोर्ड्स के साथ आप लोग इस टाइम पे बोर्ड्स को प्रायोरिटी दो. देखो, बोर्ड्स को प्रायोरिटी देना चाहिए. सीबीएसई वालों, WBEE वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स वालों, आपका जनवरी फरवरी में बोर्ड्स का एग्जाम है, मैं खुद भी जानता हूं. बट मैं आपको बोलूंगा कि हर डे पर्टिकुलर एवरी डे आपको एक पर्टिकुलर टाइम अलॉट करना पड़ेगा WBJEE प्रिपरेशन के लिए, ठीक है. अगर आप WBJEE को सीरियसली देखते हो, अगर जादवपुर जैसे कॉलेज को पाना चाहते हो, तो डे में एटलीस्ट 2-3 से 4 घंटा, एटलीस्ट 3 आवर्स, मिनिमम 3 आवर्स आपको अभी 12 घंटे पढ़ना है. लास्ट इस 4 महीने में एटलीस्ट 12 आवर्स पर डे आपको देना ही है, स्पेंड करना है, ठीक है भाई. ये बहुत, मैं जानता हूं हार्ड चीजें हैं, ओके, बट मैं मेरे दिन पे आ चुका हूं, ठीक है. मैं तो WBJEE के नहीं, मैं मेरा जो जैन का एग्जाम मैंने क्लियर किया था, मैं देता था एग्जाम के पहले, बिकॉज मेरा भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम रहता था एज वेल एज जैन का प्रिपरेशन. तो अगर आप दो चीज साइमल्टेनियसली कर रहे हो, आपको 12 आवर्स पर डे देना पड़ेगा, एंड देने के साथ साथ आपको एटलीस्ट 3 घंटा उस पर्टिकुलर सब टॉपिक को WBJEE को देना पड़ेगा, ठीक है. तो अदर देन आप बोर्ड का एक पेपर पढ़ाई करो, बट
तीन घंटा WBJEE का क्वेश्चन प्रैक्टिस, WBJEE के माइंडसेट से प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। ये मैं आपको ये बोलूंगा। दूसरा चीज कि इस टाइम पे थोड़ा बातें करना कम कर दो। मैं बोलूंगा कि बहुत सारे दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें बोलेंगे, ये क्वेश्चन क्या है भाई, भाई ये टॉपिक क्या है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत चीज आपके बहुत सारे दोस्तों बोलेंगे, ठीक है। बट मैं आपको बोलूंगा कि अवॉइड ऑल दोस थिंग्स, आप लोग पूरा चीज को जितना दूर हो सके सिलेबस को कवर कर लीजिए, कवर करते जाइए। मैं बोलूंगा हताश होने का कोई जरूरत नहीं है, टाइम अभी भी आपके हाथ में अच्छा खासा है। तो प्लीज इस 100 दिन को, इस 100 दिन को गोल्डन बनाने के लिए आज से स्टार्ट कर दीजिए। जिनका खत्म नहीं हुआ, जितना जल्दी हो सके खत्म करने का ट्राई कीजिए। जिनका खत्म हो गया, वो लोग जितना जल्दी हो सके PYQ समेत जो क्वेश्चंस है, वो जितना भी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करने के लिए देखिए। ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। कौन टीचर, कौन बंधु, क्या क्या बोल रहा है, ये सुनने का और समझने का अभी जरूरत नहीं है। आपको जो ठीक लग रहा है आप लोग करते जाइए। आई एम क्वाइट 100% श्योर कि आपका रिजल्ट जो है WBJEE का ऑब्वियसली आपको मिलेगा। तो ऑब्वियसली इस 100 दिन को आप लोग ऐसे प्रिपेयर करते रहे स्टेप बाय स्टेप। कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम जरूर रहा तो कमेंट बॉक्स कमेंट करके हमको पूछिए। इस इंपॉर्टेंट वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल।